महानगर पालिका का अग्निशमक दल हुआ हाईटेक, लाल बत्ती वाली गाड़ी एवं पुलिस की वर्दी जैसे यूनिफॉर्म में नजर आए कर्मचारी। जनता की सुरक्षा में अग्निशमक दल हमेशा तत्परता से काम करता हुआ नजर आता है, लेकिन अग्निशमक दल के अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकांश अपने यूनिफॉर्म में नजर नहीं आते थे, जिसके चलते महानगर पालिका आयुक्त ने आदेश जारी किए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने यूनिफॉर्म पर ही अब अपनी ड्यूटी करेंगे। इसी के चलते 30 नवंबर को अग्निशमक दल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी यूनिफॉर्म में काम करते हुए अग्निशमक कार्यालय पर नजर आए। इस दल के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र मीठे से की हमने विशेष मुलाकात। खाकी वर्दी का अपना अलग ही एक रौब होता है। खाकी वर्दी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये एक ऐसा चिन्ह होता है कि ये वर्दी पहना हुआ आदमी विशेष रूप से ये बात को दर्शाता है कि वो जनता की सुरक्षा के लिए है। बीते दिनों महानगर पालिका द्वारा महानगर पालिका में वरिष्ठ अधिकारी को अब पुलिस की तरह ही और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की तरह ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी और खाकी वर्दी का ड्रेस, जिसमें संपूर्ण तरीके से पुलिस की वर्दी में जिस तरीके से वरिष्ठ अधिकारी को हैट दी जाती है और खाकी वर्दी और स्टार्स दिए जाते हैं, इस तरीके का नियोजन किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि महानगर पालिका भी अब हाईटेक होती जा रही है, किंतु महानगर पालिका द्वारा ये जो वर्दी दी गई है, इस वर्दी के क्षेत्रवासियों पर क्या फर्क पड़ेंगे और महानगर पालिका सुपरिटेंडेंट पद के ऊपर में जो स्थापित है मीटर्स है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजूहत की वजह से ये वर्दी दी गई और जनता में इस वर्दी के लिए लोगों को क्या लाभ मिल सकता है। सर, जैसे देखो वर्दी दिया है तो वर्दी सभी कर्मचारी को मिली है। मानवपा के श्री वरिष्ठ अधिकारी है, माननीय आयुक्त है, इन्होंने सबको इशू कर दिया है और सभी लोगों ने पहनना चाहिए। जबकि यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए तो यूनिफॉर्म के लायक रहना चाहिए ना, तो हम इसलिए यूनिफॉर्म अलाउ करते हैं और पहनते भी हैं और वैसे रहते भी हैं। और यूनिफॉर्म में थोड़ा अलग ही काम करने का ढंग अलग ही होता है, काम करने में भी दिक्कत नहीं जाती है, कोई भी काम यानी सुलभ तरीके से होता है। यानी वर्दी रही तो कोई भी हमको रोक टोक नहीं होती है, किसी का डिस्टर्ब नहीं होता है, किसी को डिस्टर्ब करने का मतलब ही नहीं आता है। फिर वर्दी में रहे तो हम लोग पहचाने जाते हैं कि हम लोग है करके। सर, जैसे कि सुपरिटेंडेंट पद के अधिकारी को ही वर्दी में जो है गाड़ी के लिए जो है लिमिट जो है लाल बत्ती वाली गाड़ी और थ्री स्टार्स वाली वर्दी दी गई है, सुपरिटेंडेंट का कमांड फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारियों पर किस प्रकार से रहेगा? वो तो देखो जैसे क्या बोलते हैं उसको, अपन कर्मचारी और अधिकारी में जैसा कोई मेल तो है रहता ही नहीं है, लेकिन जो भी ऑब्जर्वेशन करता है उसका सुपरविजन करना चाहिए। अधिकारी का काम है, मेरा काम है सुपरविजन करना, मैं उनके ख्याल रखूँ, उनका गाड़ियाँ कब जा रही, गाड़ियाँ कब आ रही, आग बुझाने कब जा रही, उसका पूरा डिटेल्स रखना पड़ता है और टाइम काम होना चाहिए, इसका ये रहता है उनके, बाकी कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जैसे कॉल आया तो 2 मिनट के अंदर यहाँ से गाड़ी स्टेशन से पार होना चाहिए, तो वैसे ही हम करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि जो है एक अपनी ड्यूटी के दौरान वर्दी एक अलग प्रतीक करती है, जहाँ काम करने के लिए अड़चनें कम हो, भाई जहाँ आग लगी हो और ऐसे क्षेत्र में नागरिक जमा होते हो, तो उस समय पर जब सिविल ड्रेस में कोई अधिकारी या कर्मचारी काम करता था तो उसे अड़चनों का सामना करना पड़ता था, उस बात को ध्यान में रखते हुए मानपा आयुक्त द्वारा ये फैसला लिया गया है। भविष्य में ऐसा अमरावती क्षेत्रवासियों से भी ये आह्वान किया जाता है कि यदि कहीं पर भी आपके संभाग में आग लगती है तो ऐसे समय पर वर्दी पहने हुए अधिकारी जो आपको दिखते हैं, अब वो इस बात को दर्शाएंगे कि ये यहाँ पर बचाव के लिए आए। विदर्भ न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजू कलाने के साथ में मोहम्मद शोएबुद्दीन।